वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स आईसी इंजन एंड कंप्रेसर। मायसेल्फ धीरेन्द्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर बुद्धा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी गोरखपुर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट a new and very interesting subject that is known as IC engine and compressor. As we know that we are going to become mechanical engineer, and though we are going to become mechanical engineer, then we have to know all about IC engine and compressor as well as automobile engineering. Before going to start, we want to discuss some books related to IC engine and prerequisites subject that we have to know by going through these topics. And first prerequisite subject are prerequisite subject मतलब जो हम लोग को थोड़ा बहुत या पूरा नॉलेज होना चाहिए बिफोर गोइंग थ्रू दिस सब्जेक्ट. क्या क्या है? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की जानकारी हम लोग को होनी चाहिए. वी शुड नो अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स. बेसिकली एन इंपॉर्टेंट साइकिल्स, जो साइकिल्स है उसके यहाँ पे थोड़े बहुत यूज होंगे, उसके बेसिस के बारे में हम लोग को पता होगा. तो यहाँ पे हम लोग को आईसी इंजन, स्पेशली आईसी इंजन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स समझना चाहिए. एक और सब्जेक्ट था ATD, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स. वो भी क्या था? हमारा साइकिल ही है, तो साइकिल से रिलेटेड जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो हम लोग को आने चाहिए. लास्ट जो पोर्शन है कंप्रेसर, ये न्यू पोर्शन है, तो इसको हम लोग लास्ट यूनिट में देखेंगे. बुक्स कौन कौन से हम लोग को चाहिए? द बुक्स एंड द इम्पॉर्टेंट बुक्स आर आईसी इंजन बुक बाई वी गणेशन. वेरी वेरी गुड बुक, बहुत अच्छा बुक है ये. ये बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका जो ATU सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा. और तो और आप लोग को अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना होगा तो आप ये बुक जरूर पढ़े, आईसी इंजन बाई वी गणेशन. ही इज रिनोवेट प्रोफेसर ऑफ IIT मद्रास एंड रीड एंड वर्क एज ए प्रोफेसर फ्रॉम लॉन्ग टाइम. ये बुक पढ़ने के बाद आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा रिगार्डिंग आईसी इंजन एंड कंप्रेसर. इसके वर्डिंग भी आपके लिए है, आपको समझ में आएंगे. और दूसरा बुक ऑटोमोटिव मैकेनिक्स, ऑटोमेटिव मैकेनिक्स बाई जोसेफ एंड विलियम. बोथ आर डिफरेंट पर्सन, दोनों अलग अलग हैं, दोनों ने साथ में ये बुक लिखी है. ये भी बुक बहुत अच्छी है, बट इसके जो लैंग्वेज है, चूंकि ये फॉरेन राइटर है तो इसको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड बुक है. ये बुक आप लोग को जो फोर्थ ईयर में आएंगे तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट के लिए ये बुक चलेगा, और आईसी इंजन के लिए भी ये बुक चलेगा. ठीक है, ये बुक हमारे ATU सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी ATU में जो कुछ चाहिए वो यहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा, बहुत कुछ वॉश भी है. तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग आईसी इंजन बाई वी गणेशन ही फॉलो करें. Those who are interested to carry out more knowledge, then they must go through Joseph and William, automotive automotive
मैकेनिक्स बाई जोसेफ इन विलियम, इसको ले लेंगे और एक्स्ट्रा नॉलेज जो आप लोग चाहते हैं गेन करना इससे आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी सब्जेक्ट की बात, कौन से बुक चलेंगे और कौन से प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट हैं जिसको हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। आते हैं सिलेबस में, सिलेबस में क्या है हमारे, तो सिलेबस में सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन, ये यूनिट नंबर 1 है, इसलिए यहां पे 1 मार्क्स है। इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन, हम लोग इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं अपने अदर यूनिट्स में, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सिक्वेंस में सबसे पहले इंडक्शन टू आईसी इंजन, ये यहाँ पे टॉपिक गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट एसआई इंजन जब हम लोग इंडक्शन पढ़ेंगे तो उसी में हम लोग समझ लेंगे कि एसआई इंजन क्या होता है, सीआई इंजन क्या होता है। तो एसआई यहाँ पे चूंकि नाम से क्लियर है, स्पार्क इग्निटेड इग्निशन इंजन, ठीक है, इसमें हम लोग एसआई इंजन के बारे में पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, जो हम लोग एसआई इंजन के जो यूनिट नंबर 2 है उसमें पूरा कवर हो जाएगा। थर्ड है सीआई इंजन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस इग्निशन इंजन, ठीक है। हाँ, एक चीज और, एसआई इंजन इज पॉपुलरली नोन एज पेट्रोल इंजन, ये इसको एसआई को पेट्रोल या पेट्रोल को एसआई क्यों कहते हैं, ये हम लोग यूनिट नंबर 2 में ब्रीफली देखेंगे। कंप्रेस इंजन को डीजल इंजन क्यों कहते हैं वो हम लोग यूनिट नंबर 3 में ब्रीफली देखेंगे, लेकिन ये इसका नाम एसआई क्यों है, इसका नाम सीआई क्यों, ये हम लोग यूनिट नंबर 1 में पूरा देख लेंगे, लेकिन ब्रीफली जब देख लूंगा तो हम लोग को कहां आना है, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में, ठीक है। फोर्थ वेरी इंटरेस्टिंग, लुब्रिकेंट एंड कूलिंग, एंड कूलिंग इसका लुब्रिकेशन एंड कूलिंग आईसी इंजन का, ठीक है। तो आईसी इंजन का लुब्रिकेशन एंड कूलिंग हम लोग यहां पे देखेंगे यूनिट नंबर 4 में, फर्स्ट इंडक्शन, फिर सीआई एसआई इंजन, फिर सीआई इंजन, अब वो गर्म हो चुके हैं दोनों इंजन, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ यूनिट में उसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, ठीक है। तो चौथे यूनिट में ये है, एंड लास्ट जो हमारा कंप्रेसर टॉपिक है वो यूनिट नंबर 5 में है, ठीक है। तो कंप्रेसर जो है हम लोग यूनिट नंबर 5 में देखेंगे, ये टोटली अलग है इन हमारे आईसी इंजन से। तो हमारा आईसी इंजन मेन पूरा यूनिट नंबर 4 तक खत्म हो जाएगा, देन वी विल मूव ऑन कंप्रेसर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम लोग पावर प्लांट पढ़ेंगे 4th में तो यहाँ पे इसका यूज होगा कंप्रेसर के बारे में, ठीक है। तो आइए, टुडे इज ओनली इंट्रोडक्शनरी क्लास, देन we will move to introduction of IC engine, ठीक है। From the very beginning of the civilization, man need mechanical work, ठीक है। Civilization के शुरुआत से ही लोगों क्या चाहिए, mechanical work. Initially, mechanical work comes from man muscle power, ठीक है। शुरुआत में लोग क्या करते थे, सिविलाइजेशन की शुरुआत की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या करते थे लोग, अपने मसल पावर से ही मैकेनिकल वर्क लेते थे, ठीक है। देन वी मूव टू एनिमल, एनिमल के पास आ गए हम लोग, एनिमल की सहायता से हम लोग मैकेनिकल वर्क लेना शुरू कर दिए। देन वी फर्दर मूव टू एयर एंड अदर सोर्सेस, एंड फाइनली we
इन्वेंट इंजन फॉर मैकेनिकल वर्क्स। आखिरी में हम लोग क्या करते हैं, इंजन का आविष्कार करते हैं। वी ऑल ऑलरेडी नो दैट फ्रॉम आवर बिगिनिंग ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड जेम्स वॉट इन्वेंटेड स्टीम इंजन। ठीक है, स्टीम इंजन की शुरुआत जेम्स वॉट साहब ने कर दी थी। वो एक्सपेरिमेंट भी सबको पता है कि खाना बनाते टाइम वो देखे थे एक बर्तन में पानी उबल रहा है और वो जो भाप आ रहा है वो उसके ढक्कन को उठा रहा है, यानी उसमें कहीं ना कहीं कोई एनर्जी है जिसको हम लोग को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो उसकी यूटिलाइजेशन के लिए उन्होंने क्या किया, स्टीम इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, स्टीम इंजन, अब जो लोग आज के जनरेशन के बच्चे उनको स्टीम इंजन शायद ना दिखाई दे, अगर देखना भी तो आप लोग कालका जाके देख सकते हैं या टॉय ट्रेन वगैरह वहां पे स्टीम इंजन का यूज होता है। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, लेकिन पॉपुलरली आप लोग स्टीम इंजन नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो स्टीम इंजन वो क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। वो अभी बंद हो गया है ड्यू टू सम डिसएडवांटेजेस एंड डिमेरिट्स। वी आर ऑन आईसी इंजन, हम लोग आईसी इंजन को लेके चलेंगे। तो आईसी इंजन शुरू करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं कि एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तो एनर्जी कन्वर्जन कौन करता है, इंजन। ठीक है, तो इंजन क्या होता है, फिर द मशीन विच कन्वर्ट एनर्जी इज कॉल्ड इंजन। द मशीन विच कन्वर्ट एनर्जी इज कॉल्ड इंजन। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ टॉपिक है तो वन बाय वन देखते हैं। तो एनर्जी कन्वर्जन में मशीन इंजन आते हैं। इंजन क्या होता है, द मशीन विच कन्वर्ट एनर्जी इज कॉल्ड इंजन। ठीक है, तो इंजन क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है सिंपली। ठीक है, तो इंजन का अगर हम लोग ब्रॉडली डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन क्या होगा इंजन का, एन इंजन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। ये तो हम लोग की अपनी बोलचाल की भाषा हो गई। ठीक है, अगर आप लोग से कोई डिफिनेशन पूछता है तो डिफिनेशन क्या बताएंगे, इंजन क्या है, विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म ठीक है, एक ही इंटरनल कंबशन इंजन का ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ये आईसी इंजन क्या करता है, केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल में नहीं करता डायरेक्ट, पहले केमिकल एनर्जी को क्या करता है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देन फ्रॉम थर्मल एनर्जी वी गेट यूजफुल वर्क दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल इंजन, यानी ये क्या है हमारा आईसी, जो कि नाम ही यहां पे इंजन, तो इंजन क्या कर रहा है, कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, इंटरनल कंबसन। एज क्लियर फ्रॉम नेम दैट इंटरनल कंबसन इंजन वेयर कंबसन इज टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन, इंजन के अंदर ही कंबसन हो रहा है, नाम से ही आ रहा है। और एक दूसरा है हम लोग जानते हैं एक्सटर्नल कंबसन इंजन वेयर द कंबसन टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन। ठीक है, इंजन के बाहर ही कंबसन होता है, उसमें किसमें, एक्सटर्नल कंबसन इंजन में। एक्सटर्नल कंबसन इंजन के एग्जांपल अगर आप लोग देखे होंगे स्टीम इंजन से आप देख सकते हैं कि वो क्या है, एक्सटर्नल कंबसन इंजन है। उसमें क्या होता है, बॉयलर अलग से होता है। बॉयलर क्या करता है, स्टीम जो जनरेट करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ कोल, उसको हम लोग फिर यूज करते हैं अपने इंजन चलाने में।
ठीक है, आगे मैकेनिकल वर्क के लिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो बॉयलर होता है उसकी जो फायरिंग होती है वो इंजन के बाहर होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्सटर्नल कंबसन इंजन, ठीक है। कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा ये कंबसन क्या होता है, फिर कंबसन क्या होता है, फिर हम लोग इंटरनल डिफाइन कर दिए, इंजन डिफाइन कर दिए, कंबसन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। तो सिंपली एक सिंपल डिफिनेशन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंबसन इज द इग्निशन ऑफ फ्यूल एंड हीट एडिशन प्रोसेस, बस इतना ही बोलना हम लोग को। कंबसन क्या है, इग्निशन ऑफ फ्यूल एंड हीट एडिशन प्रोसेस है ये, हीट एडिशन प्रोसेस, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से दैट कंबसन इज ओनली बर्निंग ऑफ फ्लेम, फ्लेम का जो बर्निंग होता है वो कंबसन है, ठीक है। तो कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबसन क्या होता है, एक्सटर्नल कंबसन क्या होता है, कंबसन मेनली कंबसन क्या होता है, ठीक है। ये हम लोग डिफरेंस प्रोसेस देख चुके हैं हम लोग। कंबसन क्या होता है वो फिर रिवाइज करते हैं, इग्निशन जलना, इग्निशन ऑफ फ्यूल एंड हीट एडिशन प्रोसेस, ये हमारा क्या है, कंबसन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हीट इंजन पे, चूंकि आईसी इंजन देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को हीट इंजन के बारे में पता होना चाहिए, चूंकि हम लोग यहाँ पे हीट एडिशन की बात किए। तो हीट इंजन क्या होता है, ठीक है, तो हीट इंजन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म द केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी एंड यूटिलाइजेस द थर्मल एनर्जी टू परफॉर्म यूजफुल वर्क, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, हीट इंजन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म द केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी एंड यूटिलाइजेस दिस थर्मल एनर्जी टू परफॉर्म यूजफुल वर्क, ठीक है। तो देखते हैं यहां लिख लेते हैं हम लोग, राइट डाउन, इसको लिख भी लेंगे, हीट इंजन, हीट इंजन क्या है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू थर्मल एनर्जी एंड यूटिलाइज दिस थर्मल एनर्जी इंटू मैकेनिकल वर्क, ठीक है। तो हम लोग आईसी इंजन समझ लिए, एसी इंजन, एक्सटर्नल कंबसन इंजन समझ लिए, हीट इंजन समझ लिए, ठीक है। हीट इंजन क्या है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी एंड यूटिलाइजेस दिस थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, हम लोग या इसको परफॉर्म कोई यूजफुल वर्क के लिए हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारा ये क्या है, हीट इंजन है, ठीक है। जल्दी जो हमारा क्या होता है, अब आते हम लोग थोड़ा कंपेरिजन के साथ चलते हैं, इंटरनल कंबसन इंजन और एक्सटर्नल कंबसन इंजन के साथ, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कंबसन इंजन है, और जो हमारा एक्सटर्नल कंबसन इंजन है वो एक पास्ट है, लेकिन हम लोग को अपने पास्ट से सीखना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा बहुत एक्सटर्नल कंबसन इंजन के बारे में भी सीखेंगे, जानेंगे, और फिर उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलली देखते हैं कि इंटरनल कंबसन इंजन क्या होता है
और एक्सटर्नल कंबसन इंजन क्या होता है उसका डिफरेंस देखेंगे। यहां पे भी इसको हम लोग और थोड़ा हीट इंजन दो और आईसी इंजन एंड एसी इंजन एक्सटर्नल कंबसन एंड इंटरनल कंबसन इंजन बोथ आर हीट इंजन दैट वी फर्दर क्लासिफाई दिस इंजन इनटू आईसी इंजन एंड सेकेंड एसी इंजन एसी नोन एज एक्सटर्नल कंबसन इंजन। दो सक्शन कंप्रेशन एंड हीट रिजेक्शन प्रोसेस आर गोइंग इनसाइड द आईसी इंजन इट इज ऑल्सो नोन एज इंजन प्लांट कंप्राइजिंगली नोन एज इंजन प्लांट। ठीक है तो आईसी इंजन के लिए के साथ इसके इंजन क्या होता है हीट एडिशन सक्शन कंप्रेशन एंड हीट रिजेक्शन जो होता है वो आईसी इंजन के अंदर होता है। इसको हम लोग प्रॉपरली इंजन प्लांट भी कह सकते हैं। ठीक है तो आईसी इंजन को हम लोग अच्छा छोटा सा करना पड़ेगा थोड़ा आईसी इंजन एंड फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन एंड एसी इंजन दोनों में क्या समानता है दोनों में हम लोग को रोटेटरी इंजन एंड रेसिप्रोकेटिंग इंजन जरूर दिखाई देगा। दोनों में हीट इंजन के बाद आईसी इंजन एसी इंजन और आईसी और एसी इंजन में हम लोग को फर्दर जब क्लासिफाई करेंगे तो उसमें हम लोग क्या दिखाई देगा रोटेटरी इंजन एंड रेसिप्रोकेटिंग इंजन। और यहां पे रेसिप्रोकेटिंग इंजन अगेन सेम एज इन एसी इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड रोटरी इंजन ठीक है तो दोनों में समानता हम लोग क्या देख गई रोटरी रेसिप्रोकेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग रोटरी दोनों में सेम है। ठीक है इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे रोटरी इंजन में ओपन साइकिल इंजन दिखाई देगा और वेंकल इंजन ओपन साइकिल टर्बाइन भी बोलते हैं इसको ओपन साइकिल टर्बाइन। और यहां पे एक है वेंकल इंजन नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट वेंकल रोटरी इंजन में हम लोग देख गया ओपन साइकिल टर्बाइन और ओपन साइकिल इंजन एंड वेंकल इंजन। ठीक है रेसिप्रोकेटिंग में गैस
साइकिल इंजन या गैस इंजन भी लिख सकते हैं हम लोग, या गैसोलीन भी बोलते हैं, गैसोलीन इंजन। और यहां पे ये डीजल इंजन। ठीक है, तो हम लोग को मेनली फोकस करना आईसी इंजन पे, और आईसी इंजन में भी क्या रेसिप्रोकेटिंग इंजन पे। ठीक है, इस पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। रोटरी इंजन हम लोग सिलेबस में भी नहीं है, जानने के लिए बस हम लोग देख रहे हैं ओपन साइकिल टर्बाइन या ओपन साइकिल इंजन, ये हम लोग डिटेल में पावर प्लांट में सब पढ़ाएंगे। वेंकल इंजन ये हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जानने के लिए बस एक नॉलेज के लिए वेंकल इंजन रोटरी इंजन दो भाग डिवाइड कर दिए हम लोग। रेसिप्रोकेटिंग इंजन में गैसोलीन इंजन या गैस इंजन, इसमें हम लोग गैस का यूज करते हैं। डीजल इंजन में हम लोग डीजल एज वेल एज पेट्रोल दोनों का यूज करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन में हम लोग जब आगे आते हैं एक्सटर्नल कंबसन इंजन साइड रेसिप्रोकेटिंग इंजन में, तो हम लोग देखेंगे स्टीम इंजन एंड स्टर्लिंग इंजन। इसको जब फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो ठीक है, एक्सटर्नल कंबसन इंजन में रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रेसिप्रोकेटिंग के बाद यहाँ पे स्टीम इंजन एंड स्टर्लिंग इंजन। ठीक है, जब हम लोग रोटरी में आएंगे तो स्टीम टर्बाइन एंड क्लोज साइकिल टर्बाइन। रोटरी इंजन में आगे फर्दर क्लासिफिकेशन में स्टीम टर्बाइन क्लोज साइकिल टर्बाइन। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। आईसी इंजन एक्सटर्नल कंबसन इंजन दोनों क्या है हीट इंजन है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, स्पेशली आईसी इंजन एंड कंप्रेशन सब्जेक्ट के अंदर। हम लोग आईसी इंजन पढ़ेंगे और आईसी इंजन में मेनली क्या पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक है, हाँ इसके कुछ टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे पावर प्लांट में हम लोग ओपन साइकिल टर्बाइन देखेंगे, स्टीम इंजन देखेंगे, स्टर्लिंग इंजन देखेंगे, स्टीम टर्बाइन देख सकते हैं। ये सब पावर प्लांट सिलेबस में विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर फोर्थ ईयर। ठीक है, अब लास्टली लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंबसन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबसन इंजन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर AKTU सिलेबस, एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो क्या करता है आप लोग से क्वेश्चन पूछ देता है कि डिफरेंस ही बता दो कम से कम। एक्सटर्नल कंबसन इंजन हम लोग को बोलता नहीं कि पढ़ो, लेकिन डिफरेंस जरूर जानना चाहिए हम लोग को आईसी इंजन एंड एक्सटर्नल कंबसन इंजन के। ठीक है, तो क्या है डिफरेंस बिटवीन आईसी एंड ईसी इंजन। क्या करते हैं हम लोग, एक साइड आईसी इंजन लिखिए जो बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग, और दूसरे साइड ईसी इंजन। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस हम लोग इसके नाम से ही निकालेंगे, इंटरनल कंबसन एंड एक्सटर्नल कंबसन। फ्यूल कंबसन टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन। एक्सटर्नल कंबसन में क्या है इसका वाइस वर्सा, फ्यूल कंबसन आउटसाइड, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं आप लोग सही लिखिएगा, फ्यूल कंबसन
आउटसाइड, आउटसाइड मतलब आउटसाइड द इंजन, ठीक है। दूसरा, दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हम लोग एक्सटर्नल कंबसन इंजन को साइड में करके इंटरनल कंबसन इंजन का यूज कर रहे हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर मोर एज कंपेयर टू, जब हम लोग याद रखिएगा, जब हम लोग डिफरेंस याद रखेंगे तो डिफरेंस में एज कंपेयर टू देखेंगे एक के साथ दूसरे का, देन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज मोर एज कंपेयर टू एसी इंजन, ठीक है। इसके कंपेरिजन में ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो हमारा, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, प्रेशर एंड टेम्परेचर लेस हो जाएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर लेस एज कंपेयर टू, यहां पे हम लोग आईसी इंजन लिख देंगे, आईसी इंजन, ठीक है। इसमें फुल कंबसन अंदर ही होता है, इसमें फुल कंबसन बाहर हो जाए, वी आर डिस्कसिंग दैट बॉयलर में इसका फुल कंबसन होता है, देन इसको हम लोग एक्सटर्नल इंजन लेके आते हैं। अब इंजन के बाद हम लोग को मैकेनिकल वर्क मिलता है, ठीक है। आगे अगला डिफरेंस और क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। प्रेशर एंड टेम्परेचर चूंकि इसमें ज्यादा डेवलप होता है आईसी इंजन में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो एलॉय के बने होते हैं, स्पेशली आयरन एलॉय कंस्टिट्यूट विथ निकिल एंड मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो क्या है, प्रेशर हाई होता है एंड टेम्परेचर भी हाई होता है, तो मटेरियल कौन सा यूज करते हैं हम लोग, आयरन एलॉय, ब्रैकेट में लिख ले हम लोग निकिल एंड मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो निकिल एंड मॉलिब्डेनम का स्पेशली यूज करते हैं हम लोग आयरन एलॉय बनाने के लिए, क्यों बनाते हैं उसका, क्योंकि हम लोग यहां इसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर ज्यादा डेवलप होता है। एक चीज और, जहां पे हम लोग को लाइटर वेट चाहिए, इंटरनल कंबसन इंजन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर लाइटर पार्ट, ठीक है। लाइटर पार्ट चाहिए ना, इतना भारी इंजन हम लोग क्या करेंगे, तो कहीं कहीं इसको हम लोग हल्का करते हैं एल्युमिनियम यूज करके। अब चूंकि यहां पे प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा होता है आईसी इंजन कंपेयर में, और ये हमारा इसमें कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कास्ट आयरन यूज करते थे, अब तो ये एग्जॉस्ट हो गया है, इसी इंजन हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, अभी भी यूज होता है। अगर आप लोग कभी शिप वगैरह में गए होंगे, जो हमारे मरीन्स होते हैं, तो मरीन्स में हम लोग ये एक्सटर्नल कंबसन इंजन देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अलाउ करें देखने के लिए, या आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मरीन्स वगैरह में अभी भी स्टिल इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसका बना होता है, मेटल, किस मेटल का बना होता है, कास्ट आयरन, ठीक है, ये यहाँ पे कास्ट आयरन का बना होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चार ही डिफरेंस नहीं होते, बहुत डिफरेंस होते हैं इसके, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चार ही देख रहे हैं। आप लोग नेट पे सर्च करेंगे या बुक देखेंगे, तो बुक में और भी 10 के आसपास डिफरेंस दिख जाएंगे, ठीक है। चौथा डिफरेंस क्या है, जो कनेक्टिंग रॉड होता है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड किससे कनेक्ट होता है, पिस्टन से, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल कंबसन इंजन में जो पिस्टन होता है वो कनेक्टिंग रॉड से नहीं कनेक्ट होता है, किससे होता है, स्टफिंग बॉक्स होता है, एक कंपोनेंट होता है स्टफिंग बॉक्स, उससे कनेक्ट होता है, ठीक है। आइए देखते हैं चौथा एंड लास्ट, आईसी इंजन का जो पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड इज कनेक्टेड टू
कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, पिस्टन रॉड कैसे कनेक्ट होता है, कनेक्टिंग रॉड से, ठीक है। और यहां पे पिस्टन रॉड नहीं, पिस्टन की बात है, सॉरी, ये पिस्टन, पिस्टन है रॉड नहीं है, पिस्टन इज कनेक्टेड टू स्टफिंग बॉक्स, ठीक है। तो ये आज हम लोग क्या क्या देखे हैं, इंजन का डेफिनेशन देखे हैं, इंटरनल कंबशन इंजन देखे हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन देखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन, रेसिप्रोकेटिंग, रोटेटरी, रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन में हम लोग डीजल इंजन देखे थे, गैसोलीन इंजन देखे थे, रोटरी इंजन, रोटरी में हम लोग क्या देखे थे, व्हीकल टाइप एंड ओपन वॉल्व स्टीम इंजन हम लोग किसमें देखे थे, सॉरी, ओपन टाइप इंजन हम लोग देखे थे, रोटरी इंजन में, आईसी इंजन में, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में हम लोग अगेन रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी, उसके बाद उसमें हम लोग क्या देखे थे, स्टीम इंजन देखे थे रेसिप्रोकेटिंग टाइप में एंड स्टर्लिंग इंजन एंड रोटरी टाइप में स्टीम टर्बाइन एंड क्लोज टाइप टर्बाइन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।